दमदार क्लैश है, तो मतलब अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग मूवी आ रही है, तो मैं तो तीनों देखूंगा। एक्साइटमेंट बोले तो यार अक्षय कुमार पैन इंडिया करके तमिल तेलुगु में तो निकाल रहे मूवी, पर शायद से वो अभी तक मतलब प्रमोट करने नहीं गए आई थिंक सो, वहाँ पे सीट फटती है कि लोग मतलब बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस फटता है या फिर साउथ का बॉक्स ऑफिस फटता है, जो भी रहेगा, पर मैं एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा फ्राइडे का दिन एंटरटेनमेंट। हाय हेलो गाइस, तो के सब लोग मैं हूँ पवन सकड़ एंड वेलकम बैक टू फिल्म टाउन। दोस्तों कल यानी कि फ्राइडे के दिन तीन बड़ी बड़ी मूवीज अपने अपने स्टेट से रिलीज होने वाली, यानी कि तमिलनाडु से देखो तो विक्रम, तेलंगाना से देखो तो मेजर, और अपने बॉलीवुड से देखो तो सम्राट पृथ्वीराज। सो दोस्तों आइए हमारे फिल्म एक्सपर्ट से जानते हैं कि किस मूवी के लिए ज़्यादा करके वो एक्साइटेड है, तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे फिल्म एक्सपर्ट यानी कि डोमेन जीरी, वेलकम बैक टू फिल्म टाउन। सो कल तीन मूवीज़ बड़ी रिलीज होने वाली है, क्लैश होने वाला है, सो कौन सी मूवीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? अभी तीन मूवी मतलब एकदम दमदार क्लैश है, तो मतलब अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग मूवी आ रही है, तो मैं तो तीनों देखूंगा। एक्साइटमेंट बोले तो यार तीनों के लिए भी है एक्साइटमेंट, क्योंकि बोले तो अभी मैं बोलता हूँ कि मैं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को ही सपोर्ट करता हूँ, ऐसा मतलब मूवी अगर अच्छी हो तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, अगर मूवी भी अच्छी हो तो सपोर्ट करता हूँ ऐसा नहीं, पर मैं कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सपोर्ट करता हूँ। अभी जैसे कि तीन मूवी का मतलब है एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट मेरे को तीनों मूवी का है, अभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मेजर अपना मेजर साहब और विक्रम साहब जो है कमल हसन, तीनों मूवी मतलब एकदम मतलब दमदार ही रहेगी जो भी रहेगी। अभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर बोलूँ, वो हिस्टोरिक मूवी है और अक्षय कुमार पहली बार आ रहे हिस्टोरिक मूवी के लिए, पर कहीं ना कहीं मेरे को सम्राट पृथ्वीराज चौहान का ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार पैन इंडिया करके तमिल तेलुगु में तो निकाल रहे मूवी, पर शायद से वो अभी तक मतलब प्रमोट करने नहीं गए आई थिंक सो, वहाँ पे मतलब साउथ वाले लोग मतलब जल्दी मतलब किसी मतलब बॉलीवुड की मूवी जल्दी देखते नहीं वहाँ पे, पर उनको प्रमोशन करना जरूरी है वहाँ पे। अभी दो दिन बाकी है और वो बिजी है लगता है उड़ान मूवी की शूटिंग में, एक मतलब पोस्टर भी लीक हुआ था, तो ठीक है अभी देखते हैं। साउथ वाले लोग भी प्यार देते हैं क्योंकि हिस्टोरिक मूवी, और साउथ वाले लोग भी हिस्ट्री पढ़े रहेंगे, उनको भी अगर सम्राट पृथ्वीराज का स्टोरी जानना है तो लोग जान लेंगे, और उस जानने का स्टोरी मतलब अगर देखा है कि आप उन्हें जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मूवी देखने पहले अगर आप विकीपीडिया भी पढ़ोगे ना गूगल पे, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट की मूवी है, तो ट्रेलर भी अगर आप देखोगे ना ट्रेलर तो वैसे ही वही कॉन्सेप्ट की है, और थोड़ा हटके मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी डाला रहेगा मूवी में, तो मेरे को सच में मैं सपोर्ट करूँगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान, पर सबसे ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट है ऐसा, मैं अभी कंपटीशन के लिए नहीं जा रहा हूँ तीनों मूवी के लिए, मैं कॉन्सेप्ट के लिए जा रहा हूँ। अभी तीनों में से मतलब कॉन्सेप्ट है, अभी देखो ऐसे ही मतलब ये है कि दो मूवी तो ऐसा रियल स्टोरी पे बनाया, एक तो अपना मेजर साहब वो भी तो रियल स्टोरी है, उसको अभी उसके बारे में आता हूँ। वो मेजर साहब अपने आदि शिव ने बनाया, और वो है हमारी ताज की मतलब बोले तो वो जो एक्टर है मेजर संदीप, उसका पूरा स्टोरी बताऊँ कि कैसा वो मतलब स्कूल पढ़ के आर्मी में ज्वाइन हुआ, फिर वो आर्मी से कैसे वो इधर ताज में पहुँच के अपने हमारे इधर ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उनको सब लोग को कैसे बचा दिया, कैसे अपनी जान गंवाई है। जहाँ तक मैंने भी ऐसा सुना है कि उसकी स्क्रीनिंग लगी थी किधर ना किधर, तो पब्लिक भी ऐसा बोल रहे थे कि वो बहुत रोने वाली मूवी है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर पर मैं तो बोलूँगा वो रोने वाली मूवी है। आप शेरशाह का एग्जाम्पल ले लो, और लास्ट में जब वो गाना आता है मन भरिया, इंसान की आग भर गई थी वो गाने में, तो वैसे ही कुछ इमोशनल तो रहेगा ये मूवी के अंदर भी। तो मैं मेजर के लिए भी एक्साइटेड हूँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अभी आता हूँ विक्रम के पास। अभी विक्रम मूवी है हमारे कमल हसन साहब की, और वो ऐसे है कि वो तो चाची नंबर 420 उनको तो वही नाम से मैं जानता हूँ, उनको कमल हसन साहब से भी नहीं जानता हूँ, तो उनकी मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। और प्लस वो मूवी में तो तीन तीन बड़े स्टार है, मतलब बोले तो कमल हसन साहब, विजय सेतुपति सर और फैजल फहद फैजल सर। सो जस्ट वेटिंग कि अभी फ्राइडे मतलब कल के दिन के लिए क्या मतलब क्या तूफान है थिएटर में के अंदर, कैसा क्या मतलब देखते हैं। सीट फटती है कि लोग मतलब बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस फटता है या फिर साउथ का बॉक्स ऑफिस फटता है, जो भी रहेगा, पर मैं एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा फ्राइडे का दिन एंटरटेनमेंट है, मतलब आधा दिन मैं थिएटर के इधर ही बैठे रहूँगा क्योंकि मेरे को बैक टू बैक शो देखना है। अभी जैसे कि फ्राइडे के दिन मैं तीन मूवी एक साथ देखूंगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं एक दो मूवी तो देख ही लूँगा, शायद से मैं मेजर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान देख लूँगा और दोनों करो, पर विक्रम मैं सैटरडे को पक्का देखूंगा क्योंकि एक साथ मैं तीन मूवी देखूंगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई अपने को मूवी का थोड़ा मतलब समझेगा तो थोड़ा दिमाग में रहेंगे हाँ ऐसा वैसा है वही बैक टू बैक। अभी कैसा मैं अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान पहला मूवी देखूंगा फिर बाद में इंडियन आर्मी की मूवी देखूंगा, तो थोड़ा गैप लूँगा। सैटरडे को मैं विक्रम मूवी पक्का जाऊँगा देखने के लिए, अभी उनके फैंस नाराज नहीं पर देखूंगा। मैं ऐसे बोला कि मैं सपोर्ट तीनों मूवी का कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी का फैन हूँ इसलिए जा रहा हूँ ऐसा वैसा नहीं,
तीनों एक्टर मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। क्या बात, कमल हसन साहब भी एक्टिंग में सबसे बेस्ट है, अक्षय कुमार सर भी सबसे एक्टिंग में सबसे बेस्ट है। बोलता हूँ ना हमेशा कॉमेडी अगर हंसाया रहेगा तो अक्षय कुमार ने, हमेशा बोलते रहता हूँ मैं। और हमारे जो मेजर साहब है अजीश, उनकी तो भाई एक मूवी तो मैंने देखी जो बागी 2 का जो रीमेक जो कॉन्सेप्ट लिया है वो एक्चुअली मैंने देख चुका हूँ। बस उनकी एक मूवी और एक इंटेलिजेंट खिलाड़ी कुछ तो नाम है वो एक मूवी देखा था, बाहुबली में भी उनका ही था। हाँ हाँ सर कटिंग वाला सीन था, पर इतना बोला किसी ने जाना नहीं उनको। पर ये जो दो मूवी मैंने जब लॉकडाउन में देखी ना, मैं बोला ना साउथ में मैंने बहुत सारी मूवीज देखा, तो ये दो मूवी मैंने खास देखी थी, उनमें उन्होंने ब्रिलियंट एक्टिंग किया था। मतलब एक मतलब इंटेलिजेंट खिलाड़ी कुछ तो मूवी का नाम है, उसमें उनका चश्मा जो स्टाइल वाला है ना, मेरे को चश्मे में भी फिदा हो गया था। क्या बात है। तो यार मतलब बहुत ही, मतलब अभी मैं पब्लिक को भी यही एडवाइस करूँगा कि आप कंपटीशन के लिए मत जाओ। अगर आप कंपटीशन करोगे तो फिर बाद में कैसा, ये मूवी छोड़ के आप ये मूवी के पास भाग जाओगे, फिर आप कन्वी होगा किसकी मूवी क्या देखोगे। तीनों मूवी जाओ, मैं तो वही करेगा तीनों मूवी में। ऐसा नहीं है यार कि यार ये मूवी नहीं चल रही क्यों जाओ देखने के लिए, नहीं, पब्लिक गए भाड़ में, मैं देख के मैं अपना खुद का बताऊंगा क्या मुझे अच्छा लगा मूवी में क्या नहीं अच्छा लगा। तो मैं भी ऑडियंस से यही चाहता हूँ कि आई नो अक्षय कुमार के फैंस बहुत है, सम्राट देवा चंगो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, पर मैं उनके फैंस को भी बोलेगी कि आप ये दो मूवी भी देखना साउथ, क्योंकि साउथ की मूवी भी बुरी हो जाती नहीं, आपको भी पता है। और जैसे कि साउथ के जो है, मतलब अभी कैसे अक्षय कुमार ने बेचारे ने मतलब साउथ में आके वो नहीं किया अपना प्रमोशन किया, तो मैं वो सपोर्ट कर रहा हूँ सम्राट देवा चंगो कि जो भी है हमारे साउथ के फैंस जो हम लोग को जानते हैं, टॉम एंड जेरी को, कन्नड़ वाले लोग भी जो जानते हैं, कन्नड़ में रिलीज होनी नहीं ना वो प्रॉब्लम हो गए, तो कन्नड़ वाले लोग को भी बोल देते थे, पर जो भी तमिल इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री, हम लोग वीडियोज़ देख रहे ना, सपोर्ट सम्राट पृथ्वीराज चौहान सर, क्योंकि हमारे इंडियन ऑडियंस आपकी मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं विक्रम और, तो आप भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट करो। क्या बात, मैं बोल रहा हूँ क्या बात है। तो क्योंकि अक्षय कुमार सर ने आए नहीं वहाँ प्रमोशन करने, पर मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट करना प्लीज़, ठीक है। और हमारा मूवी का रिव्यू तो आप मिल ही जाएगा देखने के बाद कैसा क्या है, पर रिव्यू पे मत जाना, एक पॉइंट है, ये हमारा रिव्यू है, आप अपना रिव्यू बाद में बताना मूवी देखने के बाद। तो एलेक्स भाई एक और सवाल है, यस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर इसको साइड में रखते हैं, तीनों में टक्कर किसकी ज्यादा तगड़े से बेहतरीन होने वाली है, या फिर हु विल रूल ओवर द बॉक्स ऑफिस। ये एक्चुअली भाई एक क्रिकेट मैच हो गए लिए कि क्या यार कौन जीतेगा भाई, पर जीतने बीतने की बात नहीं भाई, जीतने बीतने पे जाते ना फिर इसमें एक ट्रोल हो जाता है, एक्जैक्टली ट्रोलिंग भी होता है, फिर फाइटिंग हो जाता है, जैसे कि सलमान के फैंस और अक्षय के फैंस में कैसे लड़ते हैं, ये तो रियलिटी है, सबको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपको ये इंडस्ट्री जो बनी है ना मूवीज की, वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, कि पहले के जमाने 90s में ऐसा मतलब कंपटीशन वो सब नहीं होता था, अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत हो रहा है कि यार ये मेरा एक्टर है मैं इसकी मूवी देखेगा। नो मैं खुद किसी एक्टर का फैन नहीं हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए आता हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, कार्तिक आर्यन का भी फैन नहीं हूँ, पर उसकी मूवी मेरे को पसंद आई है। क्या बात, तो मैं सपोर्ट तो बनता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हूँ, एक्टर को नहीं। एक्टर तो नॉर्मल हमारे जैसे ही है, वो अभी बड़े पर्दे पे देखे रियल लाइफ में देखे वही दिखने वाले हैं, पर उनकी मेहनत अगर ज़्यादा है तो सपोर्ट बनता ही सपोर्ट, और मैं वही चीज़ के लिए जाता हूँ। तो बस अगर मैं ऐसा बोलूँगा ना ये मूवी के लिए ये मूवी बहुत अच्छी है, अगर मेजर अच्छे है तो ओके okay, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैं बोलूँगा भी नहीं कि आप ये मूवी देखो ये मूवी मत देखो, तीनों जाओ, तीनों में आपको क्या पसंद है उसका रिव्यू देखो, पर तीनों तीनों को सपोर्ट करो। जैसे अभी अपनी बॉलीवुड वाले अगर आपके मेजर भी देखेंगे विक्रम की भी देखो ना, बैनर भी कितना लगा विक्रम और मेजर का अपने इधर मुंबई में, हाँ वही, तो वैसे साउथ वाले को भी इतना बोलोगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भी करो, क्योंकि वो भी एक स्टोरी मूवी है, वही जो आपको मतलब पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी जानना है, मतलब स्टोरी भी बहुत अच्छी है उनकी, मतलब ब्रेव थे वो बहुत ब्रेव, उनकी स्टोरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट सपोर्ट सम्राट पृथ्वीराज चौहान, आई सपोर्ट योर मूवी मेजर एंड विक्रम एंड ऑल्सो सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सो जस्ट वेटिंग टुमारो, क्या दमदार क्या तूफान लाते, मतलब एकदम दिवाली जैसा मतलब धमाका है। तो क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया एलेक्स, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यू। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कल के बारे में, हु विल रूल द बॉक्स ऑफिस टुमारो, यू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मिलते हैं कौन से नए वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिएगा फिल्मी टाउन।